मीडिया आ रही है. इफ दे वर नॉट देन यू रिकॉर्ड इट. आई एम डूइंग इट. इधर तक तो मीडिया वाले भाई आ जाए. इधर तक आए आप लोग. इधर तक आ जाए. आपा दे कैन स्टैंड हियर. नो वन कैन स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग हियर. आए आए इधर आए. आपने मुझे यहाँ हाथ लगाया. मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे रिहा किया. मैं आपके नाम जमान साहब, आपके तारिक साहब, आपका अदर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट पे आपको लेके जाऊंगा. मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की. मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूं. बात यह है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया. नहीं आगे नहीं आता, अगर पकड़ लेंगे गिरफ्तार करेंगे. मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा. मैं अर्ज करना चाह रहा हूं और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं. सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में पूरे दलायल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया. मेरी जमानत का ऑर्डर आया अडियाला जेल. जज साहब ने रोप कार पर दस्तखत किए. रोप कार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया. अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था सुप्रीम. मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है. ये इन्होंने मुझे कल जज ने का 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एनपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए. और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजर और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजर बंद कर दिया. मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपना अपने सेल में वापस चला गया. आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आप नहीं कर सकते. आई एम सॉरी. ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, तमीज से, तमीज से. ये तरीका है, ये तरीका है इन पुलिस वालों का. क्या साहब कुछ कहेंगे? इंसाफी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में. मैंने कौम की तर्जुमानी की है. मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझे बिना वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है.